निगरान वज़ीर आज़म और निगरान सेटअप का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का इजलास आज तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ निगरान सेटअप पर इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेंगे। इतने 15 महीने में आपने जितनी सख्तियां तकलीफ बर्दाश्त की, वोटरों के ताने सुने और महंगाई का आपने एक बोझ गरीब आदमी अपने हलकों में लोगों को बर्दाश्त करते हुए देखा, दवाई इलाज ये तमाम मामलात, मगर अल्लाह ताला ने फिर पिछले 2-2.5-3 महीनों में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहनत और नेक नीति और दुआओं से और आवाम की दुआओं से दिन भी फेरे। जिस तरह IMF का एक हमादिया नुमा मसला जो है अल्लाह ताला ने हल किया। असेंबलियां 9 अगस्त को तहलील होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तारीख दे दी। अराकीन पार्लियामेंट के एजाज में ईशाई से खिताब में बोले, कोशिश है सबके लिए काबिले कबूल निगरान सेटअप तश्कील दिया जाए। 15 माह में तमाम तनकीद के बावजूद रियासत को बचाया। IMF से मुआहिदा आसान नहीं था, ये पुल सरात भी उबूर किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो कांटे बिखेरे थे वो हमें हटाना पड़े। एक जिद्दी ने हर इदारा और शोबा तबाह कर दिया था। आइंदा इंतखाबात नई मर्दुम शुमारी पर होंगे या पुरानी पर? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया। चारों वज़रा आला और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। इजलास में नई मर्दुम शुमारी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक अगर मर्दुम शुमारी के नतायज मंजूर हो गए तो आइंदा आम इंतखाबात में कम अज़ कम 3 से 4 माह की ताखीर हो सकती है। तोशाखाना फौजदारी केस काबिले समाअत है या नहीं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ का हक दिफा बहाल होगा या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट 8 दरख्वास्तों पर आज फैसला सुनाएगी। हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर भी फैसला जारी होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज के हतमी दलाइल मुकम्मल। कहा 71 मिलियन मालियत के तहफ सिर्फ 21 मिलियन में खरीदे गए। जब मुलजिम खुद तस्लीम कर ले तो साबित करने की जरूरत नहीं। जज हमायूं दिलावर की चेयरमैन PTI के वकला को दलाइल देने की हिदायत। चेयरमैन PTI को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ न मिल सका। अदालत ने तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की अपीलें निपटा दी। 3 रुकनी बेंच ने कहा, हाई कोर्ट के हतमी फैसले तक ट्रायल कोर्ट तोशाखाना केस का फैसला नहीं कर सकती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम न हुई। वफाकी पुलिस ने 5 मुकदमात में आज तलब कर लिया। 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल में भी नायब रावलपिंडी ने साबिक वज़ीर आज़म को आज बुला लिया। अलकादिर ट्रस्ट से मुतालिक दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। चेयरमैन PTI का नायब और JIT के सामने पेश न होने का फैसला। नौ मई को क्या शैतानी खेल खेला गया? परवेज खटक ने चेयरमैन तरीके साहब का कच्चा चट्टा खोल दिया। कहते हैं कुछ नाम निहाज सहाफी और यूट्यूबर्स ने आवाम को दोबारा गुमराह करने की कोशिश शुरू कर दी। साबित होता है कि चेयरमैन PTI और पाकिस्तान के दुश्मनों की आवाम और फौज में दरार डालने की कोशिश बदस्तूर कायम है। साबिक वज़ीर आज़म ने पाक फौज के खिलाफ जहर उगला और अमरीकी साजिश का ड्रामा रचाया। पुलिस का DI खान में अली अमीन गंडापोर की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर छापा। PTI रहनुमा न मिले। घर से सैलाब और कोरोना रिलीफ का सामान। भुलैल ने डंडे बरामद। पुलिस का कहना है कि अली अमीन ने चंद रोज कबल निगरान वजीर आला पर खत के जरिए इल्जाम लगाकर आवाम को उकसाया था। PTI रहनुमा कैले खाना के मुताबिक, पुलिस हमारा जाती सामान ले गई है जिसकी रसीदें मौजूद है। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का आज रावलपिंडी में इफ्तिताह होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे।
मुसल्ला फौज के सरबराहान, वफाकी वुजरा और आला सिविल और मिलिट्री हुकाम भी तकरीब में शरीक होंगे। टेक्नोलॉजी पार्क के कौमी मंसूबे के तौर पर कसीरुल जहती फवायद हासिल करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियाहत के फरोग के लिए सलाम पाकिस्तान ब्रांड और ई पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का कहना है, मुल्क में ज़राअत, आईटी और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में 24 अरब डॉलर सरमायाकारी का इंदिया दिया है। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 88 पॉइंट्स का इजाफा, 48,700 की सतह पर ट्रेडिंग। करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव, इंटरबैंक ने अमेरिकी करेंसी 30 पैसे महंगी 287.50 रुपए में फरोख्त। कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। मलीर कायदाबाद नेशनल हाईवे बंद कर दी, बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सिंध असेंबली की तहलील का फैसला होते ही निगरान वजीर आला के नामों पर मुशावरत होगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब तक मर्दमशुमारी के सरकारी नतायज हमारे पास नहीं आए। जिस सूबे की जितनी आबादी है उतनी ही दिखाई जानी चाहिए। शहर में पानी माफिया एक हकीकत है। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ इकदाम किए हैं। धरने छोड़कर शहरियों को काम चाहिए। 7 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद और पिशावर में बादल बरसने का इम्कान। निशेबी इलाके जेरे आबाने का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सतलुज में सुलेमान की और हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब। जिला बहावल नगर में मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी पानी दर्जनों आबादियों में दाखिल। उच शरीफ में जमींदारा बंद टूटने से मुतादिद देहात से रियाब, फसलें तबाह हो गयी। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। भारत से आने वाला रेला सिधनाई पहुँच गया। दरिया जहलू में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हवेली लखा के करीब कश्ती दरियाए सतलुज में डूब गई। 5 साल बच्चा जहाँ बहाक 33 को बचा लिया गया। 10 की तलाश जारी। कश्ती पर सैलाब, मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा था। मुल्क भर में यौमे शहदाए पुलिस आज मनाया जा रहा है। शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद। शहदा की कब्रों पर हाजिरी, सलामी भी पेश की गई। कराची में शहदाए पुलिस को खिराज अकीदत पेश करने की तकरीब। एडिशनल आईजी जावेद आलम ओढ़ो बोले, पुलिस की कुर्बानी से ही मुल्क में अमन का क्याम मुमकिन होता है। शहर कायद में 950 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार जराइम की सरकूबी के दौरान शहीद हुए। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में शहदाए पुलिस डे की मुनासिबत से रेस का इनेकाद। पुलिस एहलकार समेत सिविल सोसाइटी के लोग शरीक हुए। जान मेरी जमीन, फूल मेरा वतन। जश्न आजादी भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियां। झंडे, बैजेस और दीगर आरायशी अशिया के स्टॉल्स पर रश। वक्त कोई भी हो, वाकिफ रहे दुनिया भर के अहम हालात, वाकियात और अहम खबरों से, अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर, और हमेशा बाखबर रहें।